नमस्कार, रिपब्लिक ईबिक्स कैस्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कोरोना के महायोद्धा बनकर उभरे हैं, संकट मोचक बनकर उभरे हैं, क्योंकि न सिर्फ देश में कोरोना से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं बल्कि दुनिया भर के देशों की मदद भी कर रहे हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने की पड़ी हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से क्या हाल है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन बड़ा सवाल आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से हार, इसीलिए क्या मोदी पर प्रहार? पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। कोरोना महायोद्धा मोदी की जयकार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार, दुनिया ने किया गुणगान, 56 इंच की छाती से डरे इमरान। जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, ऐसे कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। पीएम मोदी ने देश में कोरोना से महायुद्ध छेड़ रखा है, लेकिन विश्व भर में भी किसी देश ने भारत से अगर मदद मांगी तो मोदी ने संकट मोचक के रूप में तुरंत मदद पहुँचाई। सुपर पावर अमेरिका से लेकर इसराइल तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देकर मदद करना या ईरान में डॉक्टरों की टीम भेजना, इस संकट काल में भारत आगे बढ़कर दूसरों की मदद कर रहा है। WHO से लेकर दुनिया भर में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना से लड़ाई में इमरान के नेतृत्व की आलोचना हो रही है और उनकी ये झुंझलाहट उनके बयानों में साफ देखी जा सकती है। एक कार्यक्रम में इमरान खान ने भारत के लॉकडाउन को डर में लिया गया फैसला बता दिया। दरअसल इमरान खान को पता है कि लॉकडाउन के बाद से मोदी कोरोना पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान कोरोना की लड़ाई में हारता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर इमरान घुटने टेक चुके हैं और अब जब पाकिस्तान में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के सामने आंकड़ा छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सवाल उठता है कि ग्लोबल लीडर मोदी की कामयाबी से क्यों डर गए हैं इमरान? कोरोना के महायोद्धा मोदी की आलोचना कर क्या अपनी नाकामयाबी छिपा रहे हैं इमरान? और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कोरोना से हारे तो मोदी पर प्रहार। मैं आज सवाल पूछ रही हूं, कोरोना पर मोदी की जीत से चिड़े हैं क्या इमरान? महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि मोदी पर हमले से क्या अपनी नाकामी छिपा रहे हैं इमरान खान? मैं सवाल आज महाभारत में ये पूछ रही हूं कि सिया ने इमरान मोदी को कोसे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पिछले कुछ समय में नरेंद्र मोदी और भारत पर फोकस बनाए हुए हैं। यही फोकस अगर वो पाकिस्तान पर बनाकर रखते तो पाकिस्तान कोरोना से जंग लड़ रहा होता और जीत रहा होता। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा है, मेरे साथ LJP के प्रवक्ता AK वाजपेयी है, राजनीतिक विश्लेषक निगत अब्बास है और मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या है। साथ ही पाकिस्तान से हमारे दोस्त कमर चीमा साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पत्रकार आरजू काजमी जुड़ रही हैं और साथ ही हैं फकर यूसुफ जई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कोरोना के समय में इसी दुआ के साथ महाभारत शुरू कर रही हूं कि हम सब ठीक रहें, हमारे मुल्क के लोग ठीक रहे, लेकिन ऐसा मुझे पूछना पड़ेगा कमर चीमा साहब, और मैं मेजर गौरव आर्या के साथ शुरुआत कर रही हूं। कमर चीमा साहब, आपके वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो डरपोक कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि देश से कोरोना का सारा डर सिर्फ इमरान खान ने निकाला है। कमर चीमा साहब, ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर आया अरब अवाम की तरफ से, और जब इंडिया में इस्लामोफोबिया के नारे लगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वायरस का ताल्लुक ना किसी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, ये एक बीमारी है और बीमारी से लड़ना सर, है। सर यही एक देश का प्रधानमंत्री कहता है और करता है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के,
सुने तो सही ना, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो वो क्यों कहना पड़ा? वो तो जब अरब ममालक की अवाम का प्रेशर पड़ा और जो हमारे हिंदू भाई अरब ममालक में रहते थे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो कोरोना जिहाद। अरे कमर चीमा साहब, आप लोग एक ही मंत्र लेकर हमेशा आते हैं। मैंने तो दुआ से शुरुआत की कि कोरोना से कोई ग्रस्त ना हो। सुनिए ना कमर चीमा साहब, मैंने एक दुआ से शुरुआत की कि कोरोना से कोई ग्रस्त ना हो। एक मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसा है जो लड़ रहा है और उसकी वाहवाही WHO भी कर रहा है, दुनिया के और देश भी कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री को उन्हें डरपोक कहना बड़ा शोभा देता है। बहुत डर, आपका डर निकल गया कोरोना का। क्या मुसलमानों को कहा आपने कोरोना जिहाद? नहीं सर, नहीं कहा। ऊपर रिपोर्ट जारी कर दिया। एक बात कमर चीमा साहब को कहना चाहता हूँ। कमर चीमा साहब मेरी भी बात सुने सर, थोड़ा सा कमर चीमा साहब, एक मिनट। पहली बात तो ये है कि ना कोई वहां से कोई प्रिंसेस आ जाती है फारिग सी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 15,000 तो सिर्फ सऊदी अरेबिया में है प्रिंस और प्रिंसेस, लाखों की तादाद में ये लोग पड़े हुए हैं, सारे के सारे टिन पॉट डिक्टेटरशिप्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बात कहना कि मोदी डर गया, मोदी को ट्वीट। आप प्रधानमंत्री से क्या तवक्को करते हैं भारत की? यही तो कहेगा कि सब लोगों को एक साथ चलना है। आपकी तरह तो नहीं ना कि ऑर्डिनेंस 20 निकाला और बोला कि अहमदी मुसलमान है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है कि गल्फ से बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसा तो कोई देखिए, हमने गल्फ से पैसे मांग रखे हैं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। गल्फ से हमने पैसे मांग रखे हैं, आपने क्या भारत को पाकिस्तान तो समझ रखा? आपने पैसे आज भी इमरान खान का स्टेटमेंट आया है और आज भी आपके वजीर आजम ने भीख मांगी है। बड़ी खुशी है कमर चीमा साहब, आज भी आपके वजीर आजम ने भीख मांगी है। आप थोड़ा सा आप इमरान खान को गाइड तो करें साहब, थोड़ा सा तो गाइड करें इमरान को। आज भी उसने यही बोला कि साहब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पैसा दे दो, उनके लोन माफ कर दो। ये तो स्ट्रेटजी है। क्या मोदी डर गया? अरे मैं बता रहा हूँ, एक कहावत है हिंदी में, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आपने आवाज बुलंद करी तो मुझे भी करनी पड़ रही है। हिंदी में कहावत है कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हर रोज ट्वीट देखिए इमरान खान का, मोदी ये, RSS ये, BJP ये, हिंदुत्व ये। अरे एक भाई एक बात बताओ, तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे देश में भुखमरी है, वहां पे भी देख लो, वहां पे नहीं देखेगा इमरान खान? मोदी के साथ कंपटीशन करनी है, मोदी के साथ। अरे सुनो, पहले वो कटोरा वापस अपनी जेब में डालो। आज की मैंने आज ट्वीट करा था, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कमर चीमा साहब ये देखिए ये मैंने ट्वीट करा है आज की तारीख में। अगर कैमरा जूम इन हो जाए तो मैं दिखाऊं, इमरान खान ने आज फिर भीख मांग ली। इसको मोदी को भी गाली देनी है, इसको RSS को भी गाली देनी है, इसको हिंदुओं को भी गाली देनी है, आज फिर भी मांग ली इसने। आपको वर्ल्ड बैंक ने, आप सुनिए कमर चीमा साहब, एक मिनट, ये जो है कमर चीमा साहब, ये आप इमरान खान को दे देना, वो क्योंकि बोलना बंद नहीं करेगा, हमें हेडेक होती है, ये मैं पैसे दे रहा हूँ इमरान को दे देना। 2,000 रुपए का नोट है, आप इमरान को दे देना मेरी तरफ से, यहाँ पे शगुन के पैसे पड़े हैं। और सुचारिता, अगर आपके पास 100 रुपए हो तो 2,100 रुपए का शगुन दे देते कमर चीमा को। ये लो भैया कमर चीमा साहब, आप पैसा ले लो 2,000 रुपए। मैं इमरान खान के सामने कुछ नहीं बोल सकता, और मैं सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं भैया। मोदी जी भी डरते हैं इमरान खान से, और क्यों डरे? कहीं फोन पे बात करते कुछ ना मांगे, सभी डरते हैं। आप ये कह रहे हैं गल्फ से वहां पे प्रेशर आया, क्या प्रेशर आया गल्फ से भाई? कुवैत और यूएई हमसे कह रहे हैं कि डॉक्टर भेजो, हम मर गए भैया, हम डॉक्टर नहीं भेज रहे। कुवैत और यूएई हमसे कह रहे हैं कि डॉक्टर भेजो, हम डॉक्टर भेज रहे हैं। आपसे क्या बोला भेजो भाई? कमर चीमा साहब, आपसे क्या बोला भेजने के लिए? बताइए, आपसे कुछ बोला भेजने के लिए कि टेररिस्ट भेजने के लिए, आतंकवादी भेजो, ये बोला आपसे? आप कह रहे हैं डर गया, ट्वीट कर दिया, सारी जिंदगी ट्वीट में ही गुजार दी, कुछ काम कराए ग्राउंड पे? गल्फ क्या है, क्या बेचती है गल्फ? कमर चीमा साहब, ट्वीट करके मैं एक चीज आपसे कहूंगी, ये जो डरपोक भारत डर गया, लॉकडाउन कर दिया, उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है, सिर्फ इमरान खान को छोड़कर। आप डरपोक कहने के बजाय मदद मांग लेते तो ज्यादा बेहतर होता, पूरी दुनिया मांग रही है और हम दे भी रहे हैं। सुचारिता, बड़ी बात है, भारत में 6:05 हो रहे हैं, 55 मिनट के बाद 7 बज जाएंगे।
55 मिनट के बाद 7 बज जाएंगे और आप देखिएगा भाई वहां पे लगा होगा बनी गाला पे जो उसका घर है। बहुत बड़ी 7 बजे के बाद इमरान खान फिर देखिएगा क्या करेगा। बहुत बड़ी आपने आज साइंस का सवाल हल कर दिया। आरजू काजमी बहुत बता रही है। आरजू मैं आपके पास आ रही हूं। इसके ट्वीट देखिए इसको, ये दिन भर आरएसएस हिंदुत्व बीजेपी हाय हाय ये हो गया इस्लामोफोबिया। और सबसे बड़ी बात यही आरजू, आप अपने वजीर आजम से क्या उम्मीद कर रही हैं? आप अपने वजीर आजम से क्या उम्मीद करती हैं ऐसे समय में? वो पाकिस्तान की बात करें या हिंदुस्तान पर वार करते रहे? निगत निगत को उम्मीद करती है कि वो नशा ना करे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आरजू, आरजू और निगत को ले लीजिए। आरजू मुझे ये बताइए आप अपने वजीर आजम से क्या उम्मीद करती हैं? हमारे वजीर आजम आकर संवाद करते हैं, बात करते हैं लोगों से, भारत के लोगों से बात करते हैं। आपके वजीर आजम अपने ही लोगों से बात नहीं करते, वो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों से बात करने में लगे। 100-100 ट्वीट कर दिया मोदी के खिलाफ। मोदी ने आज तक जवाब तक नहीं दिया एक का। मोदी ने एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया। ये लगा आपके वजीर आजम ने कभी भी प्रेस ब्रीफिंग की है? कभी मीडिया को सामने बिठा के बात? अरे मैडम क्या बोल रही हैं आप, प्रेस ब्रीफिंग की है, मीडिया को सामने बिठाए? मैंने आपसे सीधा पूछा, आपके वजीर आजम कोरोना के समय में आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको समय समय बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हें तो कोर्ट बता रहा है कि क्या करना है कोविड-19 खत्म करने के लिए। उन्हें तो कोर्ट बता रहा है कि आप अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मोदी ने प्रेस ब्रीफिंग नहीं करी, भारत का प्रधानमंत्री भाई उसकी मर्जी है, पाकिस्तान में नहीं है वो, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री की मर्जी है, करे प्रेस को ना करे, स्टेटमेंट चला जाता है पीएम हाउस से। इमरान खान क्या कर रहा है? सब जगह है, हम हर जगह की बात कर सकते हैं। इमरान खान हर जगह की बात कर सकते हैं। उनके उनका कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जी उन्होंने जल्दबाजी में लगाया तो आप लोगों ने कोई प्लान नहीं किया कि आपके लोग किस तरीके से कहाँ पे रुकेंगे कहाँ। नहीं नहीं मैडम, हमने नहीं किया प्लान, आपने कितना प्लान किया है कि आप सिर्फ कब्रिस्तान बना रहे हैं। आरजू काजमी आपने ये प्लानिंग की है कि आप अस्पताल ना बनाकर कब्रिस्तान बना रहे, ये प्लानिंग पाकिस्तान ने की है और वो हमें बता रहा है कि हमने प्लानिंग नहीं की। नहीं कब्रिस्तान के लिए जमीन चाहिए, पाकिस्तान में है और जेसीबी चाहिए खोदने के लिए। ये हमारा खोदा, एक को डाला अंदर, बस यही काम चल रहा है पाकिस्तान में। मेजर गौरव केसेस क्यों आपके बढ़ते चले जा रहे हैं मैडम? क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। आपके यहाँ कितनी टेस्टिंग हुई? आपके यहाँ कितनी टेस्टिंग हो रही है? कितनी टेस्टिंग हो रही है मुझे जरा बता दीजिए। केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि 130 करोड़ का आवाम है और हम लोग टेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका जो आवाम है 20-22 करोड़ का, आपके पास टेस्टिंग का ही नहीं। चाइना ने इनके पास फेस मास्क भेजे थे अंडरवेयर के, तो नहीं पाए ना आपने। चाइना ने अंडरवेयर वाले मास्क भेजे थे पाकिस्तान। डॉन न्यूज में छपी थी खबर, मैंने खुद पढ़ी है, मैंने ट्वीट करा था। इनके पास है ही नहीं टेस्टिंग इक्विपमेंट। निगत को लेंगे, निगत निगत कहां से आपको ये न्यूज मिलती है मैडम? आप ही के लोग वीडियो कर रहे हैं। मोहतरमा आरजू काजमी, अपने ही चैनल की न्यूज नहीं देखती हैं आप, अपने ही अपने मुल्क के अखबार नहीं पढ़ती हैं आप। जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा इमरान खान कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, आपके एक्टर्स की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है, मोहतरमा सारी कह रही हैं कि कोविड-19 को खत्म करने के लिए आपके देश ने कुछ नहीं करा है, आपके लोगों ने प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया। एक मिनट आरजू काजमी, एक मिनट मोहतरमा, एक मिनट सब्र रखो। आप जैसे आप जो लोग तो कहीं देखे नहीं है, जब दिसंबर में जनवरी में पहला केस आया था तो आप ही लोग थे। अपने बच्चे आप लोगों ने चीन से नहीं बुलवाए। हम इतना जज्बा रखते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को हमने एयरलिफ्ट कराया हो, चाहे हमने वहां से सारी सुविधाएं देके उन्हें वापस बुलाया हो, आपने तो अपने स्टूडेंट्स को मरने के लिए चाइना में छोड़ दिया था। इतनी जलालत आपने अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को दिए कोरोना वायरस के चक्कर में, और आप यहाँ बात करें? आप गिनवाइए ना, जवाब दीजिए, कितने टेस्ट हुए आप लोगों के यहाँ? कितने लोग यहाँ पर आके आप लोगों ने टेस्ट करवाए हैं? आप लोगों के पास आंकड़े नहीं है। आपने दुनिया भर की बात करी थी। आप अगर न्यूज चैनल नहीं देखती हो तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ कि दुनिया भर में नाम हो रहा है मोदी सरकार और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार कोरोना वायरस को रोका गया है, जिस प्रकार के स्टेप्स लिए गए हैं, ये काबिले तारीफ है। नंबर वन पर है इस टाइम नरेंद्र मोदी जी, और आपकी हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा है? सही में बताइए आप लोग, क्या टेस्ट कितने हुए? कितने डॉक्टर्स हैं जो वाकई टेस्ट कर रहे हैं, और कितने किट्स हैं और कितने लैब्स में? आरजू आप जब मुस्कुरा देती हैं तो आपसे सख्ती से सवाल भी नहीं पूछा जा पाता। आरजू आप मुस्कुरा देती हैं, आपसे सख्ती से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन क्या करें,
हमला जो कर रहे हैं बार बार इमरान खान नरेंद्र मोदी पर, बार बार नरेंद्र मोदी पर, मुझे समझ नहीं आता उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान में बहुत कुछ है करने के लिए मैडम, अभी कोरोना के समय में बहुत कुछ है। इनवर्ड लुकिंग इनवर्ड कहते हैं, मुझे देश में देख लीजिए नजर आ रहा है। अच्छा मेजर गौरव सवाल, मेजर गौरव को सुचारिता दो सवाल, आरजू काजमी दो सवाल। अच्छा निकट एक आपसे पूछ रही हूँ, उसके बाद मेजर गौरव वाले से पूछेगा। मेरी बात तो पूछने दो, बोलिए बोलिए निकट, बोलिए बोलिए। सवाल तो पूछ लो, आपको सवाल तो पूछ लो आरजू काजमी, मेजर गौरव को दो सवाल। एक पहला सवाल, एक मिनट आरजू काजमी, हिम्मत रखो सुनने की, जवाब देना है आपने अपने देश के बारे। ठीक है देखिए, आप दोनों एक साथ बोल रही हैं, आप दोनों एक साथ बोल रही हैं, मैं चाहूंगी एक एक करके बोलिए, क्योंकि फिर मेजर गौरव आ रहे अभी नहीं सुन पा रहे हैं सवाल क्या है। मैं फकर यूसुफ जई और सुदेश वर्मा को एक बार ले रही हूँ, एक बार मैं सुदेश वर्मा, सुदेश जी को ले लूं और फकर यूसुफ जई को ले लूं। मैं सुदेश जी सवाल बहुत सीधा सा है। एक ऐसा समय है जब हर देश को लड़ाई लड़नी है कोरोना से, हम लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे इमरान खान की नजरें सिर्फ हिंदुस्तान पर हैं। पाकिस्तान में कोरोना का क्या हाल है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला करो। सुजीता जी, भारत को, नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पूरा विश्व भारत के एफर्ट्स की सराहना कर रहा है। जब भी इमरान खान कमजोर विकेट पर होते हैं, क्योंकि आज आपको पता है उन्होंने एक फंड मोबिलाइजेशन किया था, जहां पूरा फंड इतना मोबिलाइजेशन हुआ, वहां एक इंडस्ट्री ने ही भारत का उससे ज्यादा पैसा भारत के पीएम केयर में दिया। उन्होंने बताया कि मांगने से भीख भी नहीं मिलती, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, इमरान खान का स्टेटमेंट है। उन्होंने सऊदी अरबिया, कुवैत, बाकी जगह से जो फंड मांगा उसने बोला कि कौम की इज्जत तो इसमें नहीं है कि भीख मांगो, तो कौम को मजबूत, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं तो फकर यूसुफ जई से यही सवाल पूछ रही हूँ, मैं यही सवाल फकर यूसुफ जई से पूछ रही हूँ। यूसुफ जई साहब चाहे वो सार्क हो, G20 हो, हर जगह इनिशिएटिव ले रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री, और इमरान खान ऐसा लगता है एक ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, बस कोरोना की आड़ में थोड़ा और फंड जुटा लें। यूसुफ जई साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है लग रहा है, और सुजीता जी, यूसुफ जई साहब मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही है। मैं वापस कमर चीमा जी पर जा रही हूं, कमर चीमा साहब और मेजर आर्या को ले रही हूं मैं। कमर चीमा साहब एक कोरोना के समय में आपके पास सिर्फ कब्रिस्तान बनाने का ही प्लान है क्या? कब्रिस्तान बनाने का प्लान है, कोरोना से लड़ाई का कोई प्लान नहीं है। और फिर जो देश लड़ रहा है, जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है, उन्हें आप डरपोक कहिए, ये स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की। देखिए पहली बात तो ये पाकिस्तान इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को बचाएं, और आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहां पे हैं, जो नहीं, जिनको आप समझते हैं मुसलमान, ये क्या भाषा है, ये क्या भाषा है, एक मिनट, ये क्या भाषा है आपकी, कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी, क्या भाषा है ये आपकी, कमर चीमा, क्या भाषा है आपकी, एक मिनट, एक मिनट, कमर चीमा, आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं कमर चीमा, कमर चीमा, कमर चीमा, शर्म कीजिए आप, आपको आमंत्रित किया हमने अपने शो पर, कीड़े मकोड़े अपने शो पर, रिपीट करना जरा एक बार, मुसलमानों को कब बचाने, कमर चीमा किसको, एक मिनट जरा, एक मिनट कमर चीमा करो, कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े, कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े, अपने प्रधानमंत्री से ऐसे बात करते हैं आप, मुसलमानों को, एक मिनट सुनिए, मुसलमानों के ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार, तुम लोगों ने जितने मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं उतने कहीं पे नहीं मरे, ठीक है, जितने तुम पंजाबियों ने सिंधी मारे हैं, मुहाजिर मारे हैं, पश्तून मारे हैं, वो कहीं नहीं मारे गए, तो ये मुसलमान की बात मत करो। और कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो, कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो, कीड़े मकोड़े किसको, हिंदुस्तानियों को कह रहे हो, घर में यही तमीज सिखाई गई थी, हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं, कीड़ा मकोड़ा कहते हैं अब्बू जान को, शुरू कर दी, शर्म नहीं आई कमर चीना, जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कॉलेज में, जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाते हो, तभी तुम्हारे मुल्क से दहशतगर्द और आतंकवादी निकलते हैं, क्योंकि उनके टीचर ही ऐसे होते हैं मौलाना कमर चीमा जैसे,
भाई साहब जिनका टीचर ऐसे होंगे वो आतंकवादी समझेंगे, कीड़े मकोड़े। आपने समझ गया, आपके लिए जो गैर मुसलमान है वो तो कीड़े मकोड़े है, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए। यही आपने प्रूफ कर दिया ना, यही प्रूफ कर दिया आपने आज सबके सामने बोल के। तो अब मैं समझ गया, इसीलिए जिस स्टूडेंट को जो पाकिस्तानी देख रहा है, जिसका कमर चीमा टीचर है, मैं उस पाकिस्तानी को बोलता हूँ, बच्चे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे हाथ में AK-47 होगी और एक खुदकुशी की सुसाइड बेल्ट होगी, क्योंकि तुम्हारा टीचर कमर चीमा है। ये यही सिखाएगा कि जो गैर मुस्लिम है वो कीड़ा मकोड़ा है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दो, उसको मार दो। यही सिखाएगा कमरचीमा। और कमरचीमा सुनो, एक और चीज तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे वजीर आजम के लिए मैंने, तुम्हारे वजीर आजम के लिए 2,000 रुपए दिए थे, तुम्हारी औकात 500 रुपए की है। ये लो, ये कमरचीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा, ये लो 500 रुपए, अपना मुंह बंद करो जाहिल इंसान। अभी अरब 500 रुपए, अरब तुम लोग अरब के जूते पॉलिश करते हो, तुम्हें तो मुसलमान भी नहीं मानते, तुम्हें कन्वर्टेड मानते हैं। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो। ये जो मैंने गलती कर दी, सुचारिता 500 रुपए के खुले हैं आपके पास, 500 रुपए के खुले हैं क्या सुचारिता आपके पास? 100 रुपए दीजिए, मैंने 500 रुपए भी ज्यादा दे दिए, मैंने 500 रुपए ज्यादा दे दिए कमरचीमा को। गलती हो गई मुझसे, 100 रुपए दिया जाए कमरचीमा को। कमरचीमा कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कमरचीमा, सुनो मेरी बात। लगता है तुम्हें इज्जत खत्म नहीं हुई। गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, बड़ा उछल रहे हो अरबियों का नाम लेके। उसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, सुनो, उसकी 2 रुपए की औकात नहीं है। तुम और तुम्हारे भीख मांगे प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान कोकेन का नशे ही जो है, नशेड़ी कोकेन का, उसको बोल देना इमरान खान के लिए 2,000 रुपए, मैं तुम्हारे लिए 500 भी सुचारिता कुकरेती के पास खुले नहीं है, वरना मैं तुम्हें देता 100 रुपए का नोट। तुम इसी लायक हो कि तुम्हें जलील करा जाए। जब हम प्यार मोहब्बत इज्जत से बात कर रहे थे, तुम्हें हजम नहीं हुई। ये बहुत साहब, ये मेजर साहब दे रहे हैं, एक बार हजम ही नहीं होती। कमरचीमा साहब हमारी बेइज्जती करो। कमरचीमा साहब, कमरचीमा साहब, मैंने आपको इस शो में आमंत्रित किया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इस शो में शुरुआत में मैंने कहा कि कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कमरचीमा साहब, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।